आपका न्यूज टाइम के बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना काल में नक्सल प्रभावित आनंदपुर प्रखंड में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं पारा शिक्षक विजय कुमार महापात्रा। ऑनलाइन शिक्षा से वंचित बच्चों को दे रहे हैं शिक्षा। पश्चिमी सिंहभूम के खुटपानी में अतिरिक्त कोविड केयर सेंटर हो रहा है विकसित, 500 बेड की होगी व्यवस्था। शहर के गुट्टूसाई मोहल्ले में ग्रामीणों ने शराब दुकान खोले जाने पर किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। चाईबासा के पताहातू में स्थित डीटीआई सेंटर कोविड 19 के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। भविष्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें खुटपानी प्रखंड में नव निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा जाएगा। इस लिहाज से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड 19 केयर सेंटर व्यवस्थित किया जा रहा है। उपायुक्त अरवा राजकमल, उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन और सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर से एक अलग भवन को कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश उपायुक्त ने दिए। उपायुक्त ने कहा कि वैसे व्यक्ति जिनमें संक्रमण का कोई भी लक्षण मौजूद नहीं रहेगा उनका इलाज कोविड केयर सेंटर में रखकर किया जाएगा। जिला प्रशासन इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा है कि इस क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में कोई परेशानी ना हो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नजदीकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जहां पहले से ही L1 फैसिलिटी उपलब्ध है वहां गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि यदि पहले से ही 400 से 500 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था रखेंगे तो भविष्य में कभी कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो कोई समस्या नहीं होगा। गंभीर परिस्थिति में ICU की आवश्यकता होने पर चक्रधरपुर स्थित कोविड 19 हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती कराया जाएगा। सीएचसी का भी बिल्डिंग का एक ब्लॉक को हम लोग कोरोना के संबंध में कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील करने के संबंध में एक निरीक्षण किए। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी के द्वारा, सिविल सर्जन के द्वारा इसमें काफी कुछ अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। वहाँ बेड की व्यवस्था सभी बनाया गया है और विकास आयुक्त के द्वारा भी जो माननीय विधायक का जो सपोर्ट रहा जिला प्रशासन को कोविड से इसमें जंग लड़ने में, तो उसी के तहत कई सारे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ लाते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ अच्छे बेडिंग की व्यवस्था वहाँ किया गया है। तो करीब 50 बेड की व्यवस्था वहाँ रखे हैं। तो जिला प्रशासन का मोटो यह है कि भविष्य में अगर मान लीजिए संख्या ज़्यादा भी हो जाता है तो हम लोगों का जो पेशेंट्स जो बिना कोई सिम्टम का रहेंगे या माइल्ड सिम्टम का रहेंगे वैसे व्यक्तियों को हम लोग कोविड केयर सेंटर में ट्रीटमेंट देंगे। तो इस स्थिति में अभी हमारे पास DTI एक सेंटर हम लोग के पास रेडी है कोविड केयर सेंटर के रूप में। द्वितीय द्वितीय कोविड केयर सेंटर के रूप में हम लोग खुटपानी CHC के ज़्यादा बड़ा पार्ट हम लोग लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उस क्षेत्र के जितने भी हम लोग के जो ग्रामीण जनता है उनको कोई परेशानी नहीं हो तो इसीलिए हेल्थ वेलनेस सेंटर हम लोग का 2-3 किलोमीटर की दूरी पे जो है उसी में एक L1 फैसिलिटी अच्छा ऑलरेडी चल रहा है। उसी में प्रेग्नेंट महिलाओं को, जो गर्भिणी महिलाओं को L1 फैसिलिटी के रूप में इसको और बढ़िया से इसको सपोर्ट हम लोग जिला से देंगे। सिचुएशन है तो वहाँ डॉक्टर एक अवेलेबल रहेंगे अलग से, उसका एंट्री एग्जिट अलग होगा, वो कोरोना से कोई लेना देना उसको नहीं होगा। ताकि ये हम लोग इसीलिए व्यवस्था कर रहे हैं कि कम से कम 400-500 बेड हम लोग व्यवस्था रखेंगे तो भविष्य में अगर मान लीजिए संख्या ज़्यादा भी हो जाता है कोरोना पेशेंट्स का तो विशेषकर जिनको कोई स्वास्थ्य संबंधित इश्यूज नहीं है या बड़ी सिम्टम्स अगर नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग ऐसे कोविड केयर सेंटर्स में रखकर उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जब सीरियस होगा कोई जिसको ICU की ज़रूरत होगा या कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की या वेंटिलेटर की जरूरत होगा तो वैसे व्यक्तियों को हम लोग चक्रधरपुर के कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है उसमें हम लोग इलाज करेंगे। तो आज निरीक्षण काफ़ी अच्छा रहा, कुछ सुझाव भी दिए हैं तो बहुत जल्दी उसको तैयारी करने के बाद हम लोग वहाँ भी एक अतिरिक्त सेंटर के रूप में उसको हम लोग रिजर्व में रखें।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हार्निया बीमारी से पीड़ित हैं। हार्निया का ऑपरेशन कराने के लिए बुधवार को रिम्स में भर्ती हुए, गुरुवार को मंत्री का ऑपरेशन किया गया। हार्निया बीमारी से पीड़ित स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शहर के किसी भी निजी अस्पताल में ऑपरेशन करा सकते थे, लेकिन सरकारी तंत्र पर भरोसा जताते हुए उन्होंने अपना इलाज रिम्स में कराना बेहतर समझा। मंत्री मंगलवार रात से ही रिम्स के डॉक्टर के संपर्क में थे। रात से ही उनके आने के लिए पेइंग वार्ड के कमरे को तैयार किया गया था। ऑपरेशन से पूर्व उनका कई तरह का जांच किया गया, जांच में कोरोना टेस्ट भी शामिल था। रिपोर्ट के कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाया गया, इसके अलावा उनका सभी रिपोर्ट सामान्य है। आज मंत्री का ऑपरेशन किया गया जो कि सफल रहा। उन्हें रिकवर रिम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। उनका ऑपरेशन करीब 1.5 घंटे तक चला। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद होने से ऑनलाइन शिक्षा सक्षम लोगों तक तो पहुंच रहा है, मगर गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से बाधित हुई है। लेकिन पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में एक पारा शिक्षक ने ऑनलाइन शिक्षा से वंचित बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगाए रखने के लिए अभिनव प्रयास किया है। आनंदपुर प्रखंड के पारा शिक्षक विजय कुमार महापात्रा ने जब देखा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने इलाकों के बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का बीड़ा उठाया। उन्होंने संक्रमण से बचने के सारे उपाय अपनाते हुए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए उन्होंने किसी से कोई शुल्क नहीं लिया। शिक्षक श्री महापात्रा बच्चों को ना सिर्फ उनके पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास कराते हैं, बल्कि उन्हें नैतिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा देने का भी काम करते हैं। इससे कोरोना काल में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सचमुच बहुत लाभ मिला है। मेरा नाम किशन कुमार है। हम यहाँ ऑनलाइन नहीं पढ़ नहीं सक रहे हैं, यहाँ नेट बहुत कमजोर है सर। हम लोग को यहाँ बुला बुला कर आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग सीख रहे हैं। नक्सल प्रभावित आनंदपुर प्रखंड भौगोलिक विषमताओं से भरा पड़ा है और इंटरनेट व मोबाइल फोन की सुलभता गरीब बच्चों के लिए एक सपने जैसा है। ऐसे में गरीब बच्चे लॉकडाउन अवधि में जब पढ़ाई से वंचित हुए, तब पारा शिक्षक श्री महापात्रा की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने ये काम करना शुरू किया। मेरा नाम विजय कुमार महापात्र है और मैं एक पारा शिक्षक हूँ। इस लॉकडाउन अवधि में बच्चे इधर उधर घूमने लगे और जो ऑनलाइन शिक्षा थी वह शिक्षा ले पाने में गरीब बच्चे असमर्थ हुए, इसीलिए मैंने गांव के बच्चों को बुलाकर निशुल्क शिक्षा दिया और सामाजिक दूरी पर बैठा करके ही मैंने शिक्षा दीक्षा दिया कि बच्चे नैतिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा हमसे ग्रहण कर सकें और आगे बढ़ सकें, गरीब बच्चे इसका लाभ ले सकें। कोरोना जैसी महामारी के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने, अपने चेहरे को ढकने और हाथों की साफ सफाई करने का भी अभ्यास बच्चों को कराया जाता है, ताकि वे अपने घर वालों को इस बात के लिए हमेशा सावधान करते रहें। बच्चे यहां आकर ना सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी हो रहा है। मेरा नाम ईसा रानी सिंह है। हम लॉकडाउन में यहां पढ़ रहे हैं और सीख के सब कुछ अच्छा अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। हम यहाँ पे पढ़कर बहुत ही खुश हैं। हम सीख रहे हैं। अवैध शराब के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस का अभियान पूरे जिले में लगातार जारी है। जिले में कई शराब भट्टियों को ध्वस्त कर अवैध शराब निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे अवैध शराब विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के सदर चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर अनुमंडल में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान चक्रधरपुर थाना की पुलिस टीम ने उल्लीडीह गांव में संजय नदी के किनारे अवैध महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने 8 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट कर दिया। तातनगर ओपी क्षेत्र के तातनगर गांव में गोंडा बिरुली के घर पर छापेमारी कर 150 किलो जावा महुआ पुलिस ने बरामद किया, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया। कोविड 19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है, तो एक बार आप
सदर बाजार स्थित राधिका में आइए, यहाँ आपको कोविड 19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई के हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन, सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा शहर के गुटुसाई मोहल्ले में चल रहा सरकारी कंपोजिट शराब दुकान का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है। ग्रामीणों के विरोध देखकर दुकानदार को दुकान बंद करने के लिए विवश होना पड़ा। मुफस्सिल थाना के गुटुसाई मोहल्ले में स्थित रमेश श्राव के अपार्टमेंट में एक सप्ताह पूर्व सरकारी कंपोजिट शराब की दुकान खोली गई थी। शराब की दुकान खुलने से मोहल्ले के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। दुकानदार को मोहल्ले से बाहर शराब दुकान ले जाने के लिए कहा, लेकिन दुकानदार ने ग्रामीणों की बात नहीं सुनी और दुकान का संचालन करते रहे। गुरुवार को ग्रामीणों का आक्रोश शराब दुकान के खिलाफ फूट पड़ा। सभी ग्रामीण मुखिया सुमित्रा देवगम के नेतृत्व में एकत्र होकर दुकान के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। ग्रामीणों का आक्रोश को देखते हुए दुकानदार को दुकान बंद करना पड़ा और ग्रामीणों का कहना है कि मोहल्ले में शराब दुकान खुलने से असामाजिक लोगों का आवागमन होगा, जिससे मोहल्ले में अशांति फैलेगी। सारंडा वन प्रमंडल के प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी ब्रजेश जेना ने सारंडा के करमपदा रिजर्व वन क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान किरीबुरु खदान के लोडिंग साइडिंग के में खड़े 3 हाइवा ट्रक, 2 लोडर सहित 5 भारी वाहनों को जब्त किया गया है। प्रशिक्षु आईएफएस ने जब्त वाहन को वन विभाग कार्यालय किरीबुरु में लाया। जांच के दौरान वाहन से संबंधित कोई भी कागजात नहीं मिला। प्रशिक्षु आईएफएस ने कहा कि वन क्षेत्र के दौरे के क्रम में जंगल में वाहनों को संदिग्ध स्थिति में खड़ा पाया गया। वाहन मालिकों से कागजात की मांग की जाएगी। जरूरी कागजात नहीं मिलने पर वाहन के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी। पश्चिमी सिंहभूम भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मंजीत मुंडा ने सानंदा और मुंगरा गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस मौके पर अजीत मुंडा ने कहा कि झारखंड वनोपज अधिनियम 2020 आदिवासियों के लिए काला कानून है। इस अधिनियम से जंगल में रहने वाले आदिवासियों पर आदिवासिता ना होने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि इस काले कानून के असलियत को गांव तक ले जाने के लिए प्रत्येक पंचायत में सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार को 6 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। इसी के साथ यहाँ कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 23 हो गई है। सदर अस्पताल के वार्ड तक कोरोना पहुंच गया है। यहां भर्ती एक बुजुर्ग मरीज कोरोना संक्रमित पाया गया है। बुजुर्ग आज ही अस्पताल में भर्ती हुआ था। कोरोना संक्रमित बुजुर्ग व्यक्ति को कोविड 19 अस्पताल चक्रधरपुर में शिफ्ट करने के साथ ही अस्पताल के वार्ड को सील करने की तैयारी की जा रही है। वार्ड में तैनात चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी क्वारंटाइन करने की तैयारी है। सिविल सर्जन ओम प्रकाश गुप्ता ने आज 6 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि की है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना काल में नक्सल प्रभावित आनंदपुर प्रखंड में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं पारा शिक्षक विजय कुमार महापात्रा। ऑनलाइन शिक्षा से वंचित बच्चों को दे रहे हैं शिक्षा। पश्चिमी सिंहभूम के खुटपानी में अतिरिक्त कोविड केयर सेंटर हो रहा है विकसित, 500 बेड की होगी व्यवस्था। शहर के गुट्टूसाई मोहल्ले में ग्रामीणों ने शराब दुकान खोले जाने पर किया विरोध।
आज के लिए इतना ही। तो फिर हाजिर होंगे, न्यूज टाइम्स के पूरे टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।